ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आई एम and पटवारी आई एम अ क्वालिफाइड level अकाउंटेंट आई Okay. तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो एक्टिव डिस्कशन होगा careers इन फाइनेंस को लेके तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी सारे हमारे संघ है क्या आप लोग सब अंडर ग्रेजुएट है आप लोग सब प्लीज बॉक्स का यूज़ करिएगा थोड़ा इसको अपने इंटर बनाने का ट्राई करते हैं तो आप लोग सब अंडर ग्रेजुएट है कि आप लोग सब वर्किंग है पहले तो मेरे को ये बताइए देखिए अगर कोई स्टूडेंट आज के दिन पे अंडर ग्रेजुएट है तो फाइनेंस में कुल मिला के पाँच छह है जहां पर अपने जा सकते हैं मोटा मोटा तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सीए का सी का एफ का एक्चुअरी का डेटा एनालिटिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ठीक है और आता है आपका

सीए में तो रिजल्ट बहुत कम होता है लेकिन ऐसा नहीं है आज के दिन पे कोई चाहे तो वो चार साल के अंदर अंदर सीए बन सकता है आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए चार महीना मिलता है सीए इंटर की जो तैयारी है उसके लिए आपको महीने का टाइम मिलता है आप ये दोनों लेवल्स क्लियर करते हो जब आप सीए फाइनलिस्ट बनते हो आपको दो साल का आर्टिकलशिप करना होता है एंड देन उसके छह महीने के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है छह महीने का फिर आप सीए फाइनल के लिए अपीयर कर सकते हो तो आज के दिन पे कोई चाहे तो वो साढ़े तीन से चार साल में सीए बन सकता है सीए का पासिंग रिजल्ट पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है सीए कोर्स को करने के लिए आप टोटल में आपको जो इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो एग्जाम कंडक्ट करती है तो टोटल जो आईसीआई का जो रिलेटेड फीस है वो आपका एक लाख के अराउंड आता है ठीक है एंड अगर आप कोचिंग लेते हैं तो सब सब ट्रेनिंग टीचर्स का अलग अलग फीस है आप टोटल कुल मिला के सीए बहुत सस्ता कोर्स है इंडिया में आ, मेरे हिसाब से दो लाख रुपए में सी एकदम आराम से हो जाएगा ठीक है ना एंड येस yes, जब आप, आप आर्टिकलशिप करते हो तो आपको उस समय स्टाइपेंड का फीस भी मिलता है बेसिकली आप अगर दो साल काम करते हो आप 24 महीना काम कर रहे हो तो लगभग लगभग चार से पांच हजार रुपये मिलते हैं उसके तो वहां पर भी आपका मोटा मोटी एक लाख रुपए तक आपका बन जाता है राइट तो वो एक चीज है तो सीए कोर्स में नाम है चार्टेड अकाउंटेंट बट आप देखोगे उसमें आपको Uh, बहुत ज्यादा लॉ ऑडिट कॉस्टिंग टैक्सेशन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है ना इन सबके बारे में पढ़ाया जाता है टैक्सेशन में आपको पढ़ाया जाता है डायरेक्ट uh, टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन ठीक है और एक जो मिथ है कि सर सी ए तो पास ही नहीं होते मेरे भैया दीदी है वो पास ही नहीं हो रहे लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है आज के दिन पे कोई भी चाहे सीए का जो पासिंग रिजल्ट है वो पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है बहुत सारे एमसीक्यू पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे जिनको उन्होंने सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल्स कर दिया है ठीक है ना तो बेसिकली हमारा जो चैनल है बालाजी डुक है

काम uh, प्रोवाइड कर रही है बहुत सारी इंडियन कंपनीज है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है ठीक है सो बेसिकली एक्चुरी कोर्स को करने के लिए कितना समय चाहिए होता है एक्चुरी साइंस का जो कोर्स है इसको करने के लिए आपको चार से छह साल का समय चाहिए होता है आपके इंटरेक्ट के ऊपर में डिपेंड करता है एक्चुरल साइंस कोई चाहे तो वो क्लास ट्वेल्व के बाद नहीं कर सकता है बिल्कुल सीए की तरह है जैसे तीन कोर्स ऐसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक्चुरल साइंस और सीए ये तीनों कोर्स आप चाहो तो आप क्लास ट्वेल्व के तुरंत बाद चालू कर सकते हो ठीक है एंड डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है अगर आपको डेटा और बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला जो कोर्स है इसको भी आप चाहो तो क्लास ट्वेल्व के बाद में अपना जर्नी इसमें चालू कर सकते हो द ओनली कोर्स जहां पर एलिजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट आता है वो है आपका सीएफए सी एफ कोर्स का लेवल वन देने के लिए आपने लास्ट ट्वेंटी थ्री में होने चाहिए ग्रेजुएशन के फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रेजुएशन तीन साल का है तो आप सेकंड ईयर में आओ तो आप कर सकते हो अगर आपका ग्रेजुएशन चार साल का है तो आप थर्ड ईयर में लेवल वन अपीयर कर सकते हो ठीक है आप अपने लास्ट 23 मंथ्स में होने चाहिए ग्रेजुएशन का CFA में भी आपका एमसीक्यू पैटर्न होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में आपका एमसीक्यू पैटर्न होता है अब हम लोग बात करेंगे अ एक्चुअरियल साइंस में जा रहा 13 लेवल्स आप चाहो तो हर 6-6 महीने में इसका एग्जाम होता है जैसे CA का एग्जाम आपका साल में तीन बार होने लग गया फाउंडेशन और इंटर आपका तीन बार होगा फाइनल आपका साल में दो बार होगा CA का एग्जाम जो होता है वो बेसिकली पूरा रिटर्न होता है लेकिन उसमें थर्टी टू फोर्टी परसेंट एमसीक्यू भी आने लग गया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स uh, को तो उन्होंने सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल्स बना दिया है ठीक है अगर आप बात करोगे एक्चुअली में आपका थर्टीन लेवल्स होता है एक्चुअली एक ऐसा कोर्स है आप ग्रेजुएशन में चाहो तो आप सात आठ टेन पेपर्स तक क्लियर कर सकते हो उसके बाद आपका एक डिसेंट सा जॉब लग जाएगा द अप्रोक्सिमेट पे विच अ चार्ट अकाउंटेंट गेट्स इज समवेयर अराउंड टेन लैक्स ओके ऑन एन एवरेज एट टू ट्वेल्व लैक्स के बीच में होता है अगर आप रैंक होल्डर हो तो आपका पे बहुत अच्छा होगा लेकिन एक्चुअली अपना जर्नी स्टार्ट करता है समवेर अराउंड सेवन टू टेन लैक्स के बीच में अप टू ट्वेल्व लैक्स तक भी जाता है एज अ फ्रेशर विद सेवन टू टेन पेपर्स इन हैंड उसके बाद हर पेपर का भी इंक्रीमेंट होगा एंड यस yes, बहुत सारे लोग मिथ्स में बोलते हैं कि कम पेपर क्लियर करके जाना चाहिए इंक्रीमेंट होगा बकवास है सब क्योंकि आप एक्चुअली बन ही नहीं पाओगे अगर आप तीन चार पेपर क्लियर करके जाओगे जॉब में इतना हेक्टिक हो जाएगा काम के साथ पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा तो आप एक्चुअली बनी नहीं पाओगे ठीक है तो इसीलिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप पेपर ग्रेजुएशन नहीं क्लियर कर लो ताकि जॉब के संग ईज आउट हो जाए एंड आप क्वालिफाइड फेलो एक्चुअली बन पाओ एक एक्चुअली सबसे ज्यादा मोटा पैसा अपने लाइफ में बनाता है जब वो एक्चुअली बन जाता है ठीक है तो बेसिकली आप स्टार्ट करते हो मान लो दस लाख सात लाख आठ लाख पांच लाख छह लाख किसी में भी आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है आप स्टार्ट करते हो पेपर वाइज इंक्रीमेंट होता है जैसे ही आप फेलो एक्चुअली बनते हो रफली थ्री इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस है एंड यस yes, आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे तो मोटा मोटी आपका जो पैकेज बनता है वो पच्चीस से तीस लाख रुपए का बनता है वो ऊपर भी जा सकता है वो नीचे भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स द कंपनी इन विच योर वर्किंग तो एक्चुअल साइंस का कोर्स आज के दिन ट्रेंड में है इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स भी सीखने को मिलते हैं जैसे आपको कोडिंग में आर प्रोग्रामिंग सीखने को मिलेगा आपको एक्सेल सीखने को मिलेगा आपको मॉडलिंग सीखने को मिलेगा ठीक है तो ये जो क्लाइमेट में इतना सारी चेंजेस हो रही है उसका मॉडलिंग भी आज के दिन पर एक्चुअली करता है ठीक है उसके बाद में मैं रखना चाहूंगा रिस्क मैनेजमेंट में दूसरा शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि आप एक साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो जो कि है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स वेरी 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 सुटेबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट कैंडिडेट्स जो अपना करियर इंश्योरेंस बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक मार्केट्स में बनाना चाहते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली इसका दो लेवल होता है लेवल वन और लेवल टू इसमें क्या होता है पूरा एमसीक्यू पैटर्न होता है यूएस का कोर्स है और गार्प इसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है बाय द वे मैं भूल गया एक्चुअल साइंस का जो कोर्स है वो आप तीन तीन इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट है यूके का बॉडी है और यूएस का बॉडी है इन तीनों जगह से ही आप एक्चुअल साइंस का कोर्स को कर सकते हो एक और जो है गार्प जो है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल जहां से आप एफ आर एम के को कर सकते हो एफ आर एम का जो डिग्री देता है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल एफ आर एम का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टोटली फोकस ऑन बैंकिंग फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स तो एफ आर एम का जो लेवल वन है उसमें फोर बुक्स होते हैं फोर टॉपिक्स होते हैं आप पढ़ते हो फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कॉन्ट एनालिसिस उसके बाद में आप पढ़ते हो एफ में फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स लेवल टू इज टोटली फोकस ऑन द बैंकिंग एरिया एंड स्टॉक मार्केट एरिया जहां पर आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ते हो फॉर एग्जांपल मार्केट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क ये सारे टाइप के रिस्क आप पढ़ते हो एंड करेंट इश्यूज इन रिस्क मैनेजमेंट ठीक है सो एफ का जो कोर्स है उसका टोटल एक्सपेंस जो आता है वो दो लाख रुपए के अंदर अंदर आता है एक्चुअल साइंस का जो कोर्स है आप देखोगे वो आपका चार लाख के आसपास में आता है ठीक है

दो से तीन महीने का रेंज का ओपन सोर्स है हमारे पास अवेलेबल है ठीक है आप डेटा एनालिटिक्स में इन सारे कोर्सेस से चालू करो एंड जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाए आप एक मास्टर्स प्लान कर सकते हो डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स में ठीक है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं बट प्लीज ऑफलाइन जाइएगा बिकॉज ऑनलाइन में उतना आपको फील नहीं आएगा उतना आपको मजा नहीं आएगा ठीक है और एक जो कोर्स है जो आज के दिन पे इतना ज्यादा ट्रेंड में है फाइनेंस में वो है आपका सी एफ कोर्स को करने के लिए आपको लगभग लगभग से तीन साल का समय चाहिए होता है आज के दिन पे इंडिया में सिर्फ आठ से दस करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लास्ट मंथ का जो डेटा आया है उसमें आप लगभग समझ लो तेईस हजार करोड़ रुपया गया है म्यूचुअल फंड में थ्रू इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड यस द स्टॉक मार्केट्स आर बूमिंग बिकॉज द फाइनेंशियल

चा, चार लाख रुपए का खर्चा आता है ठीक है प्रोग्राम लेवल वन इज ऑफर फोर टाइम्स लेवल टू इज ऑफर थ्री टाइम्स एंड लेवल थ्री इज ऑफर टू टाइम्स ठीक है सो लेवल वन फोर टाइम्स लेवल टू थ्री टाइम्स एंड लेवल थ्री

Uh, उसके लिए लक्ष्य शर्मा आपको देखना होगा आपको और YouTube पे रिसर्च करना होगा आपको कहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इन सारे कोर्सेज का कोई भी एक इंस्टीट्यूट का जैसा हमारा कुछ कुछ वीडियोस देखिए तब आप समझ पाएंगे कि बेसिकली आपके लिए कौन सा कोर्स परफेक्टली अलाइंस है एक और जो कोर्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा Uh, वो है आपका यूएस सीपीए का जो आज के दिन पे इंडिया में बहुत ट्रेंड में है विच इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो यूएसए का जो कोर्स है जो यूएस के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उसको हम लोग यूएस सीपीए के नाम से जानते हैं आज के दिन पे क्या हो रहा है इंडिया में बहुत सारा यूएस का आउटसोर्सिंग का काम आ रहा है जो बिग सिक्स फॉर्म्स करती है बिग सिक्स फॉर्म का मतलब हो गया आपका जो कंपनीज है इनको यूएस बहुत सारा काम आ रहा है हजारों हजारों की तादाद में दे आर प्लानिंग की भाई लोगो को यूएस करवा के उनसे वो काम वो लोग करवाते हैं इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है आपको अगर अब्रॉड शिफ्ट होना है

और ये कोर्स कोई चाहे अगर कोई ग्रेजुएट है या फिर कोई एमबीए है एमकॉम है सी ए है तो वो चाहे तो वो इस कोर्स को आराम से बारह से पंद्रह महीने के टाइम पे कर सकता है ठीक है कोर्स बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है क्योंकि वहां के लोगों को रटना पसंद नहीं है ठीक है तो इसमें आपको चार पेपर्स देने होते हैं पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है आपको एग्जाम देने के लिए और इसका जो एग्जाम होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है ठीक है सो दीजा सम ऑफ द कोर्सेज विच एव डिस्क फाइनेंस इन शॉर्ट ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू मिले की क्या आपके लिए अच्छा है इन सब कोर्सेज को आप शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ऑल स्टूडेंट अस फॉर अप्रैल में अटेम्प्ट ओके तो वो बेसिकली आप लोग सबके डैशबोर्ड पे आ जाएगा बाय नवंबर एंड और दिसंबर ठीक है उसके लाइव क्लासेस भी होंगे उसके बारे में हम लोग आपको